शेयर बाजार से आप पैसा कमाना चाहते हो, सिस्टम खुद आपको बता रही है कि सिस्टम के लॉ एंड प्रैक्टिस के अंदर कौन सी जगह ऐसी है, कौन सा लूज स्पॉट ऐसा है कि जहां से आप आसानी से पैसा कमा सकते हैं। लेकिन 99% लोग ये स्पॉट ढूंढने में फेल जाते हैं। जिन लोगों ने ये स्पॉट के ऊपर ध्यान दिया है वो आराम से अच्छे पैसे कमाते हैं। स्टॉक मार्केट का जो स्पॉट है वो क्या है? सिस्टम की कमियां ढूंढने की कोशिश अगर आप सक्सेसफुली करते हो, सिस्टम के लॉ एंड प्रैक्टिस के अंदर प्रैक्टिस में जो खामियां हैं वो अगर ढूंढना सीख लिए तो आप स्टॉक मार्केट से आसानी से पैसा कमा सकते हो। क्या है ये सिस्टम की खामियां? इन्वेस्टर जो हैं वो टॉप 1000 कंपनी को मेन मानते हैं। आपको 1 लाख का 10 लाख करना है 2 साल में, या तो 10 लाख का 1 करोड़ करना है, तो आपको कौन सा इंसान ढूंढना है कि जिसका 50 करोड़ है उसको 500 करोड़ करना है? तो ऐसा इंसान कौन है? 100 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी के अंदर प्रमोटर का 51% स्टेक है, तो 50 करोड़ है उसका। अब उसको 500 करोड़ करने में इंटरेस्ट है, वो भी तो आप ही की तरह का है। आपको जैसे 10 गुनी वैल्यू करनी है, उसको भी तो 10 गुनी वैल्यू करनी है। उससे वॉल्यूम मैनेज करने से 50 करोड़ का 500 करोड़ का मार्केट वैल्यू हो सकता है, तो कोई भी प्रमोटर उसमें इंटरेस्ट लेता है, राइट? तो अभी थोड़ा ठंडा मगज से आप सोचो कि भी 50 करोड़ जिसके पास है उसको 500 करोड़ करना है, तो वो आपको बोल रहा है कि मैं आपको पार्टनरशिप दे रहा हूँ, आप मेरे साथ जुड़ो, तो हम उसकी कंपनी में स्टॉक लेते हैं अपने डीमैट अकाउंट में, तो हम मालिक हुए नहीं, पार्टनर हुए। 100 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी मान लो कि 10 रुपये का भाव चल रहा है, राइट? तो 10 करोड़ शेयर हैं, तो 1 साल या 2 साल के अंदर उसका कंपनी 1000 करोड़ का हो सकता है, तो उसका वैल्यू 500 करोड़ हुआ। तो आपने 10,000 या 1 लाख रुपये का शेयर ऐसी कंपनी में लिया कि जिसके प्रमोटर को अपनी वैल्यू 10 गुनी करनी है। अब फ्यूचर ऑप्शन के अंदर 1 लाख करोड़ की जो कंपनियां होती हैं सबका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास होता है। अब उनको क्या है, उनको बढ़ाने में 10 गुना करने में इंटरेस्ट नहीं है, 2000 वाला शेयर 20,000 करने में इंटरेस्ट नहीं है, वो 2000 वाले शेयर को टिका के रखना है, वो भाव कम ना हो, वो उसका गोल है। तो अभी स्टॉक मार्केट को आप 3 हिस्सों में बांटो। एक 10,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप वाली कंपनियां कि जो ऑलरेडी इंट्राडे या तो फ्यूचर के अंदर है। दूसरा हिस्सा 100 करोड़ से 10,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनियां कि जिसके अंदर कुछ कंपनियां इंट्राडे में फैसिलिटी ऑन कर रही हैं और कुछ होना बाकी है। इन्वेस्टर जो हैं वो टॉप 1000 कंपनी को मेन मानते हैं, तो पहली जो इंडिया की टॉप 1000 कंपनियां जो हैं वो 100 करोड़ से ऊपर की कंपनियां हैं, तो हमें 100 करोड़ से ऊपर की और 10,000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप वाली कंपनियां कि जो अभी इंट्राडे नहीं हो रहा है, टोटली डिलीवरी बेस्ड है, ऐसी कंपनी के प्रमोटर के साथ जुड़ना है। जो कुछ भी करना है वो तो प्रमोटर अपने माइंड से, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से,
अपनी टीम से करवाने वाला है। हमें तो खाली 100 रुपये या 1000 रुपये या 10000 रुपये का हमारी कैपेसिटी के हिसाब से वो शेयर लेके लिमिट करा रहे हैं। हाँ, ये बेसिक बात है। अभी तक आप सट्टा बाजार में जिस तरह से चार्ट का डबल बॉटम, हायर बॉटम, सुपर ट्रेंड, मूविंग एवरेज, ये सब जो देखते थे वो सभी चीज आपको यही करनी है। लेकिन 100 करोड़ से 10000 करोड़ का मार्केट कैप के बीच में जो कंपनियां हैं और टोटली डिलीवरी बेस्ड शेयर में हैं, ऐसी कंपनी में अच्छा डिमांड बढ़ेगी तो भाव बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी तो भाव घटेगा। आपको ऐसा शेयर लेना है कि जिसमें डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई उतनी ज़्यादा ना हो। 10 रुपये का शेयर 11 रुपये कब होगा कि उसके अंदर बायर ज़्यादा होंगे और सेलर नहीं होंगे तो, राइट। अब रोज का 10 लाख शेयर का वॉल्यूम, अगर 10 लाख शेयर का डेली वॉल्यूम होता है तो ब्रोकर उसके अंदर इंट्राडे के लिए आपको रिस्क लेके सेटअप देता है। तो जो कंपनियां 100 करोड़ से 10000 करोड़ के मार्केट कैप में हैं उसके अंदर इंट्राडे नहीं हो रहा है तो उसके प्रमोटर अपनी फाइनेंस टीम से पूछेंगे और चेक करेंगे कि भी इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो बोले वॉल्यूम नहीं हो रहा है आपके अंदर, तो वॉल्यूम ही करना है ना, प्रमोटर को वॉल्यूम ही मैनेज करना है ना, तो वो तो आराम से मैनेज कर लेगा। अगर उससे वॉल्यूम मैनेज करने से 50 करोड़ का 500 करोड़ का मार्केट वैल्यू हो सकता है तो कोई भी प्रमोटर उसमें इंटरेस्ट लेता है। तो वो 10 रुपये का शेयर 51% उसके पास है क्योंकि कंट्रोलिंग उसके पास रखना है। तो अभी 49% जो 10000 से 10 लाख इन्वेस्टर थे उनके पास था, वो लोग बाय सेल कर रहे हैं तो उसमें 100 डीमैट अकाउंट अपने हिस्सेदारों के खुलवाते हैं, तो बाइंग कराए 49% में से 10% स्टेक कॉर्नर कर लिया। तो अभी ये 100 करोड़ से 10000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी में सिस्टम की एक और खामी ये है कि म्यूचुअल फंड जो है वो जिसमें इंट्राडे होता है ऐसी कंपनियों के अंदर ही डिलीवरी लेते हैं क्योंकि उनको कभी भी बेचना हो तो वॉल्यूम ज़्यादा हो उसी के अंदर वो लोग बाय करते हैं। तो अभी प्रमोटर क्या करता है कि भी 51% स्टेक खुद के पास है और 49% पब्लिक के पास है तो वो पब्लिक का शेयर कॉर्नर करके भाव बढ़ता है और म्यूचुअल फंड जो है वो हायर प्राइस के अंदर ही एंटर होते हैं। वो म्यूचुअल फंडों का सिस्टम मेरी समझ में नहीं आता है कि जब वो डबल बॉटम जनरेट हुआ था तब वो म्यूचुअल फंडों ने क्यों बाई नहीं किया, पब्लिक के पैसे से इन लोगों ने जो सेटअप बनाया था वो म्यूचुअल फंड बॉटम में क्यों बाई नहीं करते, हमेशा टॉप में ही क्यों बाई करते हैं। अगर आपको इसका कोई सॉल्यूशन पता हो तो कमेंट के अंदर लिखना क्योंकि ये तो इन्वेस्टरों का पैसे का चीटिंग हो गया क्योंकि हायर प्राइस के अंदर वो बल्क डील के अंदर लेंगे तो 20% ऊपर अपर भाव होगा। तो अगर 100 रुपये का शेयर घट के 50 रुपया हो गया था तब नहीं बाई किया म्यूचुअल फंड ने, लेकिन 100 रुपये का भाव हुआ तब 120 रुपये के भाव में बल्क डील से बाई किया तो इन्वेस्टर को तो 70 रुपये का लॉस है। अब ये 120 के भाव में जब प्रमोटर उनको देता है तो उसके बाद ये देखा गया है कि म्यूचुअल फंडों ने जब लिया और प्रमोटर ने बेचा है म्यूचुअल फंड को उसके बाद तुरंत 3 महीने से 6 महीने के अंदर मार्केट में बड़ा क्रैश आया, तो ये तो और बड़ा चीटिंग है।
तीसरी बात, आईपीओ जो भी होता है उसके अंदर जो लोग आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटे इन्वेस्टर, ये गलती इसलिए है कि कोई भी शेयर का प्रमोटर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो मेंटेन करने के लिए 100 करोड़ की इक्विटी पहले जनरेट करेगा, 100 करोड़ रुपया चेक से दूसरी कंपनी में से ट्रांसफ़र करेगा, 100% इक्विटी खुद के नाम से लेगा और बाद में लॉ के हिसाब से 25% पब्लिक को ऑफर करेगा। लेकिन वो प्रीमियम इतना होगा कि उसका 75% जो है टोटली फ्री हो जाएगा, प्लस उसके पास वर्किंग कैपिटल के रूप में पैसा रहेगा। अब ये 100 करोड़ का मार्केट कैप उसने बनाया, उसके अंदर अगर उसने प्रीमियम से इश्यू किया है तो एजेंसियों ने जो है रेटिंग दिया है और उसके बाद 50% डाउन हो जाता है शेयर, तो एजेंसियों ने गलत रेटिंग दिया था, ये प्रूव हो गया। तो मेरी ये मान्यता है कि कोई भी नया आईपीओ आता है वो 6 महीने मार्केट के भाव से जो भी रहेगा 6 महीने में उसका भाव फिक्स हो जाएगा, तो वो उसका सही प्राइस है। तो सही प्राइस ढूंढना है तो 6 महीने का मार्केट का ट्रेडिंग जो हो रहा है वहाँ आपको किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लेके बाय करना है। थैंक यू।